तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपने ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की जो 2018 की रिक्रूटमेंट है उसके लिए अपना ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया है। इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई से रिलेटेड जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इस बार जो सारा कुछ जो सारा पेपर है वो ऑनलाइन होने वाला है और आपको अप्लाई करने के लिए 12 जनवरी से पहले आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एयरमैन सिलेक्शन डॉट सी डेक डॉट इन वाली वेबसाइट पे जाके आपने सारा कुछ फॉर्म ऑनलाइन भरना है। आपने इसको पोस्ट के थ्रू नहीं भेजना, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन होगी, तो आपने जो है ये सारे के सारे फॉर्म को जो है आपने पहले आप ये ऑफिशियल नोटिस एक बार देख लीजिए। इसमें आपको रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायरमेंट है जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, ये ग्रुप एक्स ग्रुप वाई दोनों के लिए कॉमन दी गई है कि 10वीं के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 12वीं का जो ट्रेड्स में जाना चाहते हैं उनको 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो साथ में होनी चाहिए। उसी तरह से जो है आपको अपनी फ़ोटो भी अपलोड करनी है डायरेक्ट ऑनलाइन, ठीक है। पहले फॉर्म जैसे हम पेस्ट करते थे, अब सब कुछ जो है आपने ऑनलाइन पेस्ट करना है, ठीक है। और जो सिग्नेचर होगा उसको आपने क्या करना है कि अपने सिग्नेचर को किसी पेज पे करके उसको स्कैन करके, जब स्कैन करोगे तो उसकी एक इमेज बन जाती है, वो आपने जो है जाके वो अपलोड करनी है। एग्जामिनेशन फीस जो है 250 रुपये है, जो कि आपने जो है जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हो तभी आपने जमा करना है, ठीक है। ज़रूरी इसके लिए है कि जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो एक वैलिड ईमेल दे, क्योंकि जो भी आपको वहाँ से मैसेज भेजेंगे, जो भी आपको कम्युनिकेशन होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट आएगा, वो सब आपको जो है आपकी ईमेल आईडी पे आएगा और मोबाइल नंबर पे आपको जो है उसके मैसेज आएंगे। जो भी आपको उस दिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या जो भी है वो आपको जो है आपकी ईमेल पे सेंड किया जाएगा। इसीलिए आपका ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो है अभी आपको जो एडमिशन कार्ड होता है वो जो है आपको डायरेक्ट प्रिंट आउट लेना पड़ता है, जो कि आपके मेल पे जो है आपको सेंड कर देंगे, उसको आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। और जिस दिन आपका पेपर होगा उसको आपने जो है अपने साथ एक आधार कार्ड साथ में लेके जाना, एक आईडी प्रूफ, ठीक है। क्योंकि एडमिट कार्ड जो है आपने जो है डायरेक्ट जो है आपने कलर प्रिंट आउट निकाल के लेके आना है, ठीक है। बाकी इसमें जो है अप्लाई करने से पहले आपने अपना एज लिमिट वो सारा चेक करना है। फिर इन्होंने जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने पूरे बता रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हाइट कितनी होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए आपका, वो सब का सब जो है आपको एक बार अप्लाई करने से पहले सारा चेक कर लेना है एक बार। क्योंकि वैसे तो आप ये सब बाद में भी, आप हाइट तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन बाकी जो बॉडी के कई लोगों के जो है मिनिमम जो है वेट अगर कम होता है वो आदमी बाद में कर सकता है। तो ये आपने जो है प्रॉपर डेंटल कैसा है, हेल्थ किस तरह की होनी चाहिए, बॉडी टैटू किस तरह का होना चाहिए, सारा का सारा एक बार देख लीजिए। मेन चीज़ है पहले आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेनी है सारे सारे जो है, क्योंकि एक बार आपका फॉर्म ठीक ढंग से भर जाएगा उसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने जो है परसेंटेज का बताया है कि आपको जो है 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इन्होंने राउंड फिगर का भी ये बताया कि अगर 49.99 भी है तो वो 50% नहीं होगा, वो 49% ही होगा, 49.99 भी, मतलब जो भी है वो लोअर में राउंड होगा। 49.8 भी 49 पे होगा और 50.2 50 पे होगा। तो ये राउंड फिगर में जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है। और उसमें जो है पे के बारे में उन्होंने बता रखा है कि ट्रेनिंग में जो है 14,600 जो है पे मिलेगी। अलाउंस के बारे में सारा कुछ बता रखा है इसमें, जो एक्स ट्रेड्स के हैं उनके 33,100 पर मंथ जो है प्लस डीए अलग से होता है, बट 33,100 जो है उनकी सैलरी मिलेगी। फिर ग्रुप वाई के लिए 26,900, तो ये जो है डिफ़र करता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। एज इन्होंने बता रखी है स्पेसिफिकली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 13 जनवरी 1998 से और 2 जनवरी 2002 तक ये होना चाहिए। तो आपने जो है इसको 12 जनवरी से पहले पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये वेबसाइट खुलता है। आपने इसमें ये अलग अलग स्टेप्स से भरते हैं,
आपने जो नेम लिखना है वो जो भी आपका 10th पे है, चाहे जैसा भी है, स्पेलिंग एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट पे। पेरेंट नेम भी वही 10th में जो आपका, जो आपके फादर का नाम है वो एग्जैक्ट वही लिखना चाहिए। ईमेल आईडी मैंने आपको बताया, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो भी कम्युनिकेशन होगी आपको पोस्टल थ्रू नहीं होगी, सारी आपकी ईमेल पे होगी। अगर आप ईमेल गलत लिखते हैं तो आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, वो कुछ भी नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है अप्लाई करने का, आप इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से जो है यहाँ पे आपने कैप्चा भरना, कैप्चा होता है कि आप ह्यूमन बीइंग है, कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, कई बार क्या होता है कुछ लोग सॉफ्टवेयर चला के और इनके साइट को डाउन करने के लिए बार 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 फॉर्म भरते रहते हैं, इसलिए हर वेबसाइट में आज की डेट में ये लगा होता है कि ये आप मेक श्योर करें कि आप ह्यूमन बीइंग हैं। उसके बाद से आपने यहाँ पर कंफर्म डिटेल करना है कि हाँ, अब ये क्या करते हैं कि जब फर्स्ट स्टेप आपका होता है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, तो ये दोबारा से चेक करते हैं कि अगर आपकी ईमेल आईडी सही है तो सारे के सारे कम्युनिकेशन, आपको पासवर्ड भी वहीं पे मिलेगा, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है वो सब का सब आपकी ईमेल आईडी मिलेगा। ये सिंपल रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद से आपने अपने 10th की मार्कशीट, अपने मार्क्स, जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब आपने इनको यहाँ पे बताना है। जैसे इन्होंने, अब मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब आपने ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये फिर कैप्चा लगाया हुआ है, इसके थ्रू साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद से आपने जो है पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में आपने यही सारी की सारी बातें, इंफॉर्मेशन देनी है कि आपके 10th के मार्क्स कितने हैं, और आपका जो है फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, आपने ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से करना है, वो सब का सब आपको उसमें आपको फिल करना है। तो दोस्तों, इसको टाइम से पहले फिल कीजिए आप, और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, और उसके बाद से, इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप होता है आपका प्रिपरेशन का। एक बार आपका फॉर्म भर लिया उसके बाद से मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।